ये देखो मैं यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ ना, यहाँ से मैं निकल नहीं सकता हूँ, पानी खड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है यार आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह यार मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो जी सबसे पहली न्यूज़, आज दुबई में बहुत बारिश हो रही है यार। ये पीछे आपको मेरे नज़र आ रहा होगा, ये शीशे में से देखें, बहुत बारिश हो रही है, लेकिन बाहर निकल के क्यों नहीं दिखा सकता। जहाँ मैंने गाड़ी पार्क कर रखी है यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है यार। एक दफ़ा दिखा देता हूँ आपको कि ये देखो यार पानी यहाँ पे, ये देखो मैं यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ ना, यहाँ से मैं निकल नहीं सकता हूँ, पानी खड़ा हुआ है। दूसरी साइड पे मैंने कोशिश की है यहाँ से कि चला जाऊँ, लेकिन यहाँ पे भी ना इस साइड पे भी पानी खड़ा है, फंस गया हूँ यहाँ पे। गाड़ी स्टार्ट करके तो गाड़ी के अंदर ही बैठा हूँ। तो बात यह है जी, बहुत बड़ी न्यूज़ टूरिज्म के हवाले से दुबई में और ओवरऑल इस पूरे रीजन में। न्यूज़ क्या है जी कि अगर आप दुबई में विजिट वीज़े के ऊपर आते हैं, विजिट वीज़ा लेके दुबई में आते हैं, तो दुबई के अंदर जो 7 स्टेट्स हैं वहाँ पे तो टूर कर ही सकते हैं, बिना रोक टोक के आप 7 स्टेट्स में जा सकते हैं। दुबई, अबू धाबी, रास अल खैमा, फुजैरा, उम अल क्वीन, किसी भी जगह जो 7 स्टेट्स हैं वहाँ पे आप जा सकते हैं बिना रोक टोक के। लेकिन अब जो डेवलपमेंट हो रही है नई, उसके मुताबिक क्या है जी कि आप जीसीसी के जितने भी कंट्रीज हैं, जी जीसीसी के जितने भी कंट्रीज हैं, सऊदीया, बहरीन, कुवैत, ओमान, ये जितने भी कंट्रीज हैं, यहाँ पे आप बिना रोक टोक के एक ही वीज़ा अगर आपके पास है दुबई का, तो आप जो जितनी भी जीसीसी कंट्रीज की स्टेट्स हैं वहाँ पे बिना रोक टोक के जा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है जिसका आने वाले दिनों में टूरिज़्म के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा। जो मतलब इसमें ये होगा कि ज़्यादातर लोग जो विज़िट के लिए तो आते हैं दुबई में, लेकिन अब उनके पास चॉइस होगी कि वो बाकी कंट्रीज़ में जाके घूम सकते हैं। बहुत से लोग जो आते हैं दूसरे कंट्रीज़ में, फर्स्ट करें कि सऊदीया में बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, फिर उनके पास भी चॉइस होगी कि वो भी दुबई में आ सकते हैं, बाकी जहाँ भी कतर, बहरीन, कुवैत, किसी भी जगह पे, ओमान, जहाँ पे भी जाना चाहते हैं वहाँ पे आप जा सकते हैं। तो बहुत अच्छी डेवलपमेंट है इस हवाले से, ये आने वाले दिनों में बूस्ट करेगा यहाँ पे टूरिज़्म, और उम्मीद है कि जी खुद थोड़ा काम अच्छा हो जाएगा। एक चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज, पूरे यूरोप में और यूके में छुट्टियां चल रही हैं स्कूल की, ऑलमोस्ट 1.5 वीक से 2 वीक की, 1.5-2 हफ्तों के दौरान काफी लोग जो हैं यूके और यूरोप से वो विजिट करने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे, मुसलसल आ रहे हैं, लोग आ भी रहे हैं, मतलब कुछ दिन यहाँ पे रुकेंगे और दोबारा जब तक छुट्टियां हैं बच्चों की तब तक रुकेंगे, फिर वापस में चले जाएंगे। छुट्टियां कोई मिड टर्म का ब्रेक होता है इनका, तो वो चल रहा है जी उस वजह से, और लोग हैं निकल रहे हैं छुट्टियों पे। तो काम के हवाले से यार, काम जो है इन दिनों में, और तीसरी अपडेट यार, तीसरी चीज ये है कि ग्लोबल विलेज भी ओपन हो गया दुबई में। ग्लोबल विलेज के बाद मेडिकल गार्डन ओपन है, ग्लोबल विलेज भी ओपन है, लेकिन अभी तक जो ये वार का इम्पैक्ट है ये यार बहुत ज्यादा दिखने में आ रहा है। ये जो वार का इम्पैक्ट है ना, ये बहुत ज्यादा दिखने में आ रहा है। जब तक ये मामला हल नहीं होता, जब तक ये इशू हल नहीं होगा, तब तक लगता है कि काम जो है ये लेमोजीन या जितने भी बिजनेस हैं, सारे बिजनेसेस ही डाउन है इन दिनों में ये वार की वजह से। तो जैसे ही ये वार खत्म होगी, कुछ बेहतरी आएगी, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ये काम बेहतर होगा। कल क्या हुआ कि मैं एयरपोर्ट पे एक गेस्ट को ड्रॉप किया, तो लोग जो प्लैटिनियम और डायमंड में होते हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है जी कि आप लेट्स गो, आप जाके एयरपोर्ट पे अगर चाहें तो पिकअप कर सकते हैं। मैंने कहा यार चलो सही है, अभी टाइम काफ़ी है। तकरीबन 4:30 का टाइम था जब मुझे ये मैसेज आया कि आप पिकअप करना चाहते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी आप कर सकते हैं। मैंने कहा चलो यार कर लेते हैं, टाइम काफ़ी है, इवनिंग का टाइम था, हालांकि इवनिंग के टाइम पे काम थोड़ा अच्छा होता है, तो यही उम्मीद होती है कि यार दिन में अगर काम अच्छा नहीं हुआ तो रात के टाइम काम थोड़ा अच्छा हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, जब मैं एयरपोर्ट पे पिकअप करने के लिए गया, वहाँ पे ऑलरेडी 4-5 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। जब मेरी जब उनसे बात हुई तो वो कहते हैं कि यार मुझे तो 2 घंटे, किसी को 2.5 घंटे, इसका पहला नंबर था वो कह रहा था कि यार मुझे ऑलमोस्ट 2.5 घंटे हो गए यहाँ पे खड़े हुए। तो मैंने कहा यार चलो शायद कोई फ्लाइटें आएंगी तो ट्रिप मिल जाएंगे और यहाँ से निकल, लेकिन 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 बहुत गलत सोचा मैंने यार, उसी टाइम निकल जाता तो शायद अच्छा होता। बाद में मुझे जो ट्रिप मिला पूरे 2.5 घंटे के बाद मेरा नंबर आया और मुझे ट्रिप मिला, तो मैं लेके निकला, और जो ट्रिप लेके निकला वो भी 24 दिरहम मिले उसके ट्रिप के, और जो 25-26 दिरहम मिलते हैं पार्किंग के वो मिले। तो भैया मैंने तो उस टाइम हो गया था मुझे वहाँ पे खड़े खड़े, मतलब जो पीक टाइम होता है वो पीक टाइम भी खत्म हो गया था। तो मैं कह यार ये तो मैंने बेड़ा गड़ा की कर लिया ये काम का आज की दिहाड़ी का। तो उस दिन जो काम हुआ था वो बहुत ही कम हुआ था यार, बहुत ही कम, मतलब ये कह लो कि गाड़ी का खर्चा भी पूरा नहीं हुआ था, और ट्रिप जो हुए थे वो भी ऑलमोस्ट, मेरा ख्याल है कि 5 ट्रिप जो थे उबर के हुए थे, छोटे छोटे वो ट्रिप भी, सारे छोटे छोटे ट्रिप थे, लेकिन करीम का एक भी ट्रिप नहीं मिला था। ये कुछ प्रॉब्लम है मेरी करीम के साथ, मेरी करीम के साथ पता नहीं क्या बात है कि ट्रिप दो 3 दिनों से नहीं मिल रहे हैं। तो यार
ये कुछ न्यूज़ थी जो मैंने कहा आपसे बता दूं कि काम के क्या हालात चल रहे हैं और क्या अपडेट हो रही है और ये टूरिज्म आने वाले दिनों में कैसा रहेगा। लेकिन 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 100 बातों की बात एक यही है कि यार काम इन दिनों में बहुत डाउन है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी वार की वजह से नहीं है, लोग ही बहुत ज़्यादा आ गए हैं। लेकिन वार से कुछ दिन पहले जब कोई 5-10 दिन जब सीज़न स्टार्ट हुआ तो 5-10 दिन में काम अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन जैसे ये वार स्टार्ट हुई है उसके बाद फ़ौरन ही डाउन हो गया ये काम। अब आप समझ लें कि ये वार की वजह से है या लोग बहुत ज्यादा आ गए हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है जी कि पैसे बहुत कम बन रहे हैं यार, खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा। गाड़ी का जो गाड़ी की इंस्टॉलमेंट देनी है उसकी बात कर रहा हूं, बाकी पेट्रोल जो है अपने पैसे बचेंगे वो फिर उसके बाद की बात है जब गाड़ी के पैसे पूरे होंगे। तो फिलहाल सिचुएशन जो है वो ये चल रही है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आने वाली नई वीडियोज और नई अपडेट के लिए देखते रहिए शहबाज हुसैन द वर्ल्ड। कीप वॉचिंग।